आज हम लोग आ रहे थे अहमदाबाद से वापस, लेकिन अचानक प्लान बन गया, आगरा से हम लोग की बस थी तो प्लान बन गया अचानक हम लोगों का सबका ताजमहल जाने का। तो आज जा रहे हैं हम लोग सब लोग ताजमहल, देखते हैं आगे चल के क्या। मैं पहली बार विजिट तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ तीसरी चौथी बार तो कर रहा हूँ, यूपी में रहता हूँ तो कम से कम इतना तो बनता ही कि ताजमहल नहीं घूमा तो क्या घूमा। अगर अब जा ही रहा हूँ तो ताजमहल घूम के ही आता हूँ, देखते हैं क्या होता है। पहुँच चुके हम लोग ताजमहल, लेकिन बट ताजमहल के भी बाहर हैं और जा रहे हैं लॉकर रूम सामान रखने। सामान रख के निकलेंगे हम लोग ताजमहल के अंदर, टिकट लेंगे उसके बाद जाएंगे अंदर। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, आएगा मज़ा। अब पहुँच चुके हम लोग ताजमहल स्टैंड, अभी तो पहुँचे नहीं, बस थोड़ा सा पीछे हैं, देखते हैं आगे क्या। तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग थी और क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा तनाव वगैरह है इंडिया बॉर्डर पर, तो देखते हैं क्या होता है आगे। बर्तन कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, देखता हूँ आगे क्या क्या देखने को मिलता है, मज़ा आ रहा है। लेकिन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ट्रैवलर बॉय रजत, हाँ ट्रैवल बॉय रजत के चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए और देखते हैं आगे, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाली है। धूप तो बहुत तेज हो रही है, धूप तो, लेकिन क्या धूप थी नहीं इतनी, बट अभी थोड़ा नॉर्मल है क्योंकि ठंडी है लग थोड़ी बहुत, लेकिन ठीक है मौसम, ठीक है मौसम, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बेस्ट मौसम है। आइए आप लोग घूमिए ताजमहल, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। हाँ ओके थैंक यू। पहुँच गए ताजमहल, नज़ारा तो अच्छा है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ ग्रीनरी बहुत अच्छी है, मैं तो यहाँ पे फोर्थ टाइम आया हूँ, बाकी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो फर्स्ट टाइम भी आए, जैसे ये चश्मा वाला एक दिख रहा है, फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा तो लग रहा है। बाकी पास जाके देखेंगे, बाकी फ़ोटोज़ मेरे इंस्टा पर मिल जाएंगे, ट्रैवल वगैरह जब नाम से फॉलो कर सकते हैं। ओके फाइनली गैस कर सकते हैं आप कहाँ पहुँच चुके हैं इस टाइम हम पहुँच चुके हैं ताजमहल। दिख तो गया, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मजे से ज्यादा फोटोग्राफी में ज्यादा एंजॉय आ रहा है कि बस घूमना तो बाद की बात, पहले फोटोज होनी चाहिए इंस्टा और फेसबुक और किसके लिए, फेसबुक और यूट्यूब के लिए, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज, हाँ व्हाट्सएप तो भूल ही गए। इब्राहिम बाबा कहाँ कहाँ के लिए फोटो चाहिए आपको? आंटी के लिए भी फोटो चाहिए होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सादिक भाई आपको कहाँ के लिए फोटो चाहिए? अरे इनके लिए इंस्टा, हमें फोटो अपने फेसबुक प्रोफाइल ये वो आप जानते हैं, आप ही तो देते हैं खींच के। रजत बाबा है हमारे, आप मुझसे ज्यादा जानते हो कि मैं कहाँ यूज करता हूँ कहाँ नहीं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। बाकी और फोटोज देखते हैं, फोटोज हम लोग इंस्टा पे फेसबुक पे सबके मिल जाएंगे, मैं लिंक तो मैं दे दूंगा। आगे चलते हैं, ओके देखते हैं। ताजमहल पहुँचने में बहुत टाइम लग रहा है और इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा क्रश हो रखा है, कुछ कहने के नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। बट अपने भाई का भी स्वैग है, ये लो पहुँच गए ताजमहल। अरे यार ताजमहल पहुँच गए, मेरा पाँचवीं बार है इस बार, वहाँ में भी पाँचवीं बार ही होगा, पहुँच गए फाइनली ताजमहल। आ रहा है मज़ा, अंदर जाना बाकी रह गया, अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ पे मे बी कैमरा नहीं अलाउड है, बट देखते हैं क्या होता है, जैसा होता है देखते हैं। 50 वाली टिकट और यहाँ 50 वाली टिकट की एंट्री नहीं है, अगर आपको मकबरा देखना तो आपको 250 वाली टिकट की एंट्री लेनी पड़ेगी। और उसके बाद हम लोग वापस गए और फिर 200 रुपये की और टिकट ली, तो वो 250 की ही पड़ गई और टाइम वेस्ट भी हुआ, तो अगर आपको मकबरा देखना तो 250 रुपये वाली टिकट लेके आओ आप। ये थैंक यू, एंट्री करा ली है यहाँ पे, थैंक यू। जा रहे हैं मकबरा देखने, अब ताजमहल आए 200 रुपए के लिए, क्या यार रोए, तो इसलिए फिर ले ली है टिकट और जा रहे हैं ताजमहल मकबरा देखने। बस हाँ इसके लिए वो शूज़ लेने पड़ेंगे, शूज़ क्या वो मोजे टाइप के आते हैं, वो लेने पड़ेंगे और देखते हैं क्या होता है आगे, ऊपर चल के देखते हैं। हम लोग मकबरा देखने और जा रहे हैं मकबरा देखने, देखते बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। फाइनली मैंने वीडियो बना ली है, बहुत सी ताजमहल की वीडियो मैंने बनाई क्योंकि मैंने यूट्यूब पे चेक किया था, मुझे यूट्यूब पे ताजमहल की वीडियोस नहीं नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब पे भी ताजमहल की वीडियो अपलोड करूं। अगर आप आ रहे हो ताजमहल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप ताजमहल आ रहे हो तो 250 रुपये की टिकट ही आप अंदर से लेके आओ, क्योंकि आप बाहर से लेके आओ, अगर आप अंदर लोगे तो ये प्रॉब्लम, अगर 50 रुपये की लोगे फिर अंदर आके 200 रुपये की टिकट लोगे तो बस अंदर तो कोई नहीं पड़ेगी, ये भी 250 की, बट ये टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। अगर आप आ रहे हो तो अच्छे से आप लेके आओ और 250 वाली टिकट और ऊपर आओ, मस्त इन्जॉय करो, मज़ा आ रहा है। हाँ यहाँ पे बैठो सो आराम से, क्योंकि यहाँ पे ठंडा बहुत है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ठंडे पे सोने में, गर्मी क्योंकि धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और पैरों में भी प्रॉब्लम होती है और सर में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं हिल स्टेशन से आ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही मुझे। आगे देखता हूँ कि बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी मैंने, आप आगे देख सकते हो फ़ोटोज़। ओके मिलता हूँ मैं।